800 किलो का हिंदुस्तान का पहला घंटा। ये चेक करेगा इस कितने सारे नारियल वगैरह। बच्चे मस्त तरीके से गाइस गाड़ियाँ चला रहे हैं गाइस। ये देखो पीछे पीछे रिमोट लेके आ रहा है भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? दोस्तों आज हम अपने दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने आए हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊँगा। और गाइस इसकी लोकेशन की बात करें तो ये अलीपुर GT हाईवे और नियर जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आप 20 रुपये रिक्शे किराए से आ सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों सोनीपत और पानीपत से आप यहाँ पर आएंगे तो आपको नरेला बॉर्डर से होकर आना पड़ेगा। और दोस्तों ये देखें गाइस, अभी फ़िलहाल मैं अंदर ही खड़ा हूँ और ये देखें भाई वगैरह ये सब मेरे साथ आए हैं दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ का फुल व्यू और दर्शन करवाऊँगा, तो मस्त बने रहें। यहाँ पे बाइक पार्किंग के लिए सुविधा कर रखी है। एंड गाइस ये देख सकते हैं कुछ कीमती सामान है, जूते चप्पल वगैरह हेलमेट वगैरह ये सब आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। एंट्री गेट और देख सकते हैं गाइस ये यहाँ पे मशीन रख रखी है चेकिंग के लिए। और ये देखे भाई व्यू, और सीधा भी हम ना अंदर जाएंगे। ये पड़े गाइस खाटू श्याम दिल्ली धाम, और जस्ट इसके नीचे ही ये देखे गाइस पानी की सुविधा कर रखी है ताकि आप अच्छे से हाथ पैर धो सको। प्रवेश द्वार और अभी ना एंट्री कर रहे हैं। ये देखे गाइस ये चेक करें गाइस चरण, और ये देख सकते हैं गाइस सभी पैर छू रहे हैं इनके और सीधा अंदर जा रहे हैं। गाइस फिलहाल आपको हमने चरण दिखाए खाटू श्याम जी के, और अभी ना अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो आइए चलिए गाइस, यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं ये जो अभी आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ। और गाइस यहाँ पे आप खाटू श्याम जी के झंडे भी ले सकते हैं। ये देखे गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। ये चेक करें गाइस कितने सारे नारियल वगैरह। कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियां बना रखी है और कितनी प्यारी लग रही है, मैं आपको ना सामने वाले कैमरे से दिखाता हूँ। गाइस कृष्ण जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस अभी आप कर लें खाटू श्याम जी के दर्शन और मैं आपको करवा रहा हूँ। और दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, भव्य सजा भी रखा है दोस्तों। तो प्लीज़ आएँ, और दिल्ली में खाटू श्याम मंदिर है, इसकी शोभा बढ़ाएं। ये देखें गाइस भाई कितने सारे हवन। ये देखे गाइस अखंड व्यासपीठ, और ये देखे गाइस अभी आप चेक कर सकते हैं अभी हम भीड़ में खड़े हुए हैं। और गाइस देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये गाइस ये देखे भाई फिर आगे तक का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, कैसा लग रहा है बताना दोस्तों। ये देखे गाइस गर्भ गुफा में बेल्ट जुराव कैमरा एवं बच्चों को ले जाना वर्जित है। बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। ये करें गाइस खाटू श्याम जी के दर्शन। ये गाइस प्रसाद भी ले लिया गाइस। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं खाटू श्याम जी के हमने दर्शन कर लिए हैं। जस्ट अभी पीछे भी जाएंगे और आपको व्यू दिखाएंगे, मस्त बने रहे। ये चेक करें गाइस कितने अमेजिंग लग रहे हैं, देखो भाई सामने खाटू श्याम जी के दर्शन करके इस गेट से निकले हैं। और फिलहाल दोस्तों आगे की तरफ जा रहे हैं और सभी श्रद्धालु आगे की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस अभी फिलहाल हम भी चलते हैं, जो होएगा मैं आपको व्यू दिखाता रहूँगा मस्त।
तो ब्लॉग में बने रहें। तो गाइस देख सकते हैं सभी ने ना घर बना रखे हैं, ये चेक करें गाइस पूरा। और सबकी श्रद्धा है भाई कि यहाँ पे घर बनाएंगे तो गाइस हमारे घर मकान बन जाएंगे। ये देखें भाई मस्त एकदम। क्या रुपए रेंट है इसका गाड़ियों का? 30 में एक राइड है, 50 में दो राइड। तो गाइस 30 रुपए में एक राइड है और 50 रुपए में दो राइड बता रही हैं ये दीदी। जो मैंने आपको रेट बताया है ये देखें गाइस, यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। ये देखें गाइस, ये देखो छोटे छोटे बच्चे। ये देखें गाइस कुछ ऐसे चलती हैं गाड़ियाँ जैसे ये बच्चा चला रहा है और भाई पीछे रिमोट ले कर चल रहा है। ये देखें गाइस अमेजिंग गाइस। तो गाइस भैया और भाभी सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और काफ़ी अच्छी बात है। गाइस जो भी आपने देखा ना भोले बाबा जी का मंदिर तैयार हो रहा है पीछे, ये देख सकते हैं दोस्तों। क्या पता जब तक आप आए ना दोस्तों ये तैयार भी हो जाए। एंड मेरे पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि ये इस शिवलिंग के पास मैंने ना भाई वीडियो बना रखी है और कुछ फ़ोटोज़ भी ली थी, वो सब मैंने शायद व्लॉग में दिखाया था, तो वो आप देख लेना दोस्तों। श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। और ये देखें गाइस तैयार हो रही है, माँ शेरा वाले की मूर्ति रखी है। और ये देखें गाइस सामने अमेजिंग गाइस, ये देखें गाइस। और सामने देखो गाइस हेलीकॉप्टर, ये देखें गाइस। इस भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर रखी है, ये दिखाता हूँ मैं आपको आगे से। ये देखें गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों, बताना कमेंट करके। और दोस्तों बस वीडियो को शेयर कर देना बस आप सभी। साइड में ही जंपिंग के लिए ट्रैम्पोलिंग झूला लगा रखा है और देखो गाइस बच्चे वगैरह सब झूल रहे हैं एकदम मस्त तरीके से। गाइस यहाँ पे ना आके आप ऊँट की सवारी भी ले सकते हैं, देखो भाई ये देखो गाइस। गाइस इस चित्र में क्या दर्शाया गया है आप इसे कहना कमेंट करके मुझे बताएं। रात की सवारी, ये देखो गाइस, और ये देखो भाई कुछ झूला झूल रहे हैं। गाइस मंदिर में खाने वगैरह के लिए सुविधा कर रखी है काफ़ी अच्छी, ये देखें गाइस, ये देखें गाइस। और ये सब श्रद्धालु यहाँ पे खाना खा रहे हैं। एंड गाइस आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें गाइस आप इस पर बैठ के भी खा सकते हैं। ये चेक करें गाइस कितना मस्त व्यू, ये देखें भाई कितना अमेजिंग लग रहा है गाइस। ये देखो भाई गाइस श्री कृष्ण जी का गोवर्धन पर्वत कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, ऊपर से पानी बह रहा है और श्री कृष्ण जी ने एक उंगली से पूरे पर्वत को उठा रखा है दोस्तों। और कितना अमेजिंग व्यू है, मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको, ये देखें गाइस, ये देखें भाई कितनी सुंदर आकृतियाँ, वो सामने श्री कृष्ण जी, ये देखें भाई रात का व्यू है गाइस, ये रात का, ये देखो भाई। फाइनली दोस्तों मुझे इसी वक्त का इंतजार था शाम का व्यू दिखाने के लिए, और आगे का व्यू दिखाता हूँ कैसा लग रहा है खाटू श्याम महाराज जी। तो आइए चलते दिखाता हूँ। ये चेक करें गाइस कितना बड़ा पंखा भाई, श्रद्धालुओं की लाइन लग रही है इधर रोलिंग में, हमने तो दर्शन कर लिए दोस्तों। ये देखें गाइस मटके भाई कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, ये देख सकते हैं गाइस ऋषि मुनियों की प्रतिमा बना रखी है कितनी अच्छी लग रही है, जो शांति का प्रतीक है दोस्तों। ये चेक करें गाइस अष्ट धातु से निर्मित 800 किलो का हिंदुस्तान का पहला घंटा। फिलहाल दोस्तों अभी ना हम घर जा रहे हैं, तो आइए चलिए घर चलते हैं पहले। तो फाइनली गाइस घर पर पहुंच चुके हैं। और दोस्तों मैंने ना इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल में जाके देख लेना। और दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ यार शेयर कर देना और ठीक है लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।